जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में गुरुवार को सस्पेंडेड डीएसपी आदिल मुश्ताक को गिरफ्तार किया है। शेख आदिल पर आतंकवादी गतिविधि में शामिल एक आरोपी मुजम्मिल जहूर से 5 लाख रिश्वत लेने और एक अन्य पुलिस अधिकारी को फंसाने का आरोप है। डीएसपी आदिल मुजम्मिल जहूर से लगातार संपर्क में था। वो उसे टेरर फंडिंग केस में लगातार बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। पुलिस को आदिल और मुजम्मिल के बीच टेलीग्राम ऐप पर चैट और करीब 40 बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शेख आदिल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें झूठे सबूत देना और सबूत नष्ट करना भी शामिल है। दरअसल टेरर फंडिंग केस में इसी साल फरवरी महीने में पुलिस ने लश्करे तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 31 लाख रुपए जब्त किए गए थे। तीनों ने पूछताछ के दौरान मुजम्मिल जहूर के नाम का खुलासा किया था। जांच के दौरान डीएसपी आदिल और मुजम्मिल जहूर के बीच संपर्क का खुलासा हुआ। मार्च में डीएसपी आदिल को सस्पेंड कर दिया गया, वहीं पुलिस मुजम्मिल की तलाश कर रही थी। इस बीच उसने जुलाई में मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज कराने के 4 दिन बाद मुजम्मिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि मुजम्मिल ने जिस पुलिस अफसर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी उसकी शिकायत भी DSP शेख आदिल ने ही ड्राफ्ट की थी। इतना ही नहीं, मुजम्मिल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए शेख आदिल उसे कानूनी सलाह भी दे रहा था। शेख आदिल कश्मीर के बारामूला जिले का रहने वाला है और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2015 बैच का अधिकारी है। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि DSP आदिल के खिलाफ पहले भी जबरन वसूली और महिलाओं को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद उसे 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। SIT की 5 सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। शेख आदिल कश्मीर के बारामूला जिले का रहने वाला है और जम्मू कश्मीर पुलिस का 2015 बैच का अधिकारी है। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि DSP आदिल के खिलाफ पहले भी जबरन वसूली और महिलाओं को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद उसे 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। SIT की 5 सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शेख के खिलाफ जांच के दौरान पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे जो आरोपित के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की पुष्टि करते हैं। पुलिस ने 2 दिन पहले उनके देलीना बारामूला स्थित पृथक मकान में छापेमारी की थी। वहां से लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। आवश्यक सबूत जमा करने के बाद पुलिस ने आरोपी DSP को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो उसे बीते कल बुधवार शाम को श्रीनगर के सनत नगर स्थित उनके घर से पकड़ा है। पुलिस टीम को देख गिरफ्तारी से बचने के लिए मकान की खिड़की से बाहर कूदकर भागने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसे दबोच लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शेख के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं। उनके खिलाफ विभिन्न मामलों की जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT का गठन किया गया। SIT का नेतृत्व SP साउथ श्रीनगर गौरव सिकरवार कर रहे हैं। SIT में SDOP सदर, थाना प्रभारी पंथा चौक, साइबर थाना प्रभारी भी शामिल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।